हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, ओके गाइस, सो आज हम शॉर्ट हेयर पे सेकेंड लुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को यस्टरडे एक शॉर्ट हेयर में इजी टेक्निक के साथ लोबन करके दिखाया था, आज भी मैं शॉर्ट हेयर पे सेम मॉडल पे सेम हेयर पे सेकेंड लुक क्रिएट करने वाली हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, हाउ आर यू? आई एम टू गुड, हाउ आर यू? सो फाइनली आप लोग मेरे साथ ट्यून रहिएगा पूरे सेशन में, एंड आपको अच्छा लगे तो इस लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जैसे आप सीख रहे हैं आपकी हेल्प हो रही है, वैसे बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, सो यस, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेरा सेशन इंस्टा एंड यूट्यूब दोनों जगह पे लाइव चल रहा है। सो अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, देन आप मुझे यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पीपल, आप अगर यूट्यूब पे अच्छे से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, देन आप मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर रहे हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @PYLPATEL, यानी कि PYL स्पेलिंग है, PYLPATEL। आप सर्च करोगे मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। एंड यूट्यूब फैमिली, सॉरी इंस्टा फैमिली, अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल नहीं पता है तो पायल पटेल हेयरस्टाइलिस्ट करके मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे हेयरस्टाइल के ट्यूटोरियल्स वहाँ पे मैंने डाले हैं, जो आप देख सकते हैं। एंड सेशन स्टार्ट करो इससे पहले मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर पिन कर देती हूँ। एंड आप लोगों की वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज, जो भी मेरे साथ नए लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, सो अगर आप लोगों को मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कोई भी कोर्स की डिटेल्स जाननी है या कॉल करना है, तो मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लुक। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल सा वेव भी है, एंड ये हेयर में हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है। कल की जो हेयर स्टाइल थी वो ओपन करके जस्ट आज हम हेयर स्टाइल सेकेंड बना रहे हैं। सो हेयर वॉश भी नहीं किया हुआ है, ना तो प्रिपरेशन की हुई है। सो वो हेयर में हम आज देखेंगे कि अगर आपके क्लाइंट एक हेयर स्टाइल के बाद अगर सेकेंड हेयर स्टाइल करवाने आता है, तो काफी लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि क्या दो हेयर स्टाइल के बीच में आपको हेयर वॉश करना है। सो बिल्कुल नहीं, आपको हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा मशीनरीज यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, देन अलग बात है कि आपको वॉश करना होगा। बट अगर आपने नॉर्मल प्रोडक्ट यूज किया है एंड देन आपने सिंपल वेरिएशन के साथ हेयर स्टाइल डन किया है, देन आपको यहाँ पे हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं है। वैक्यूमिंग, यस, आप देखिएगा आज का हमारा जो लुक है वो, उसमें हम कुछ यहाँ पे बुफोन क्रिएट करेंगे, नीचे हम मैसी बन डिजाइन करेंगे। सो शॉर्ट हेयर का जो कंफ्यूजन है आपका कि शॉर्ट हेयर में कैसे मैसी बन डिजाइन कर सकते हैं, तो वो चीज आज हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से आप शॉर्ट हेयर में भी मैसी बन दे सकते हैं, एंड किस तरह से आप शॉर्ट हेयर में भी वॉल्यूम के साथ बुफोन क्रिएट कर सकते हैं, क्राउन पार्ट को एनहांस कर सकते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू सी योर हेयर स्टाइल, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं सारे हेयर को टैंगल फ्री करूंगी। चले, इसके बाद यहाँ पे मैं करूंगी पार्टीशन, यानी कि सेक्शनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन रहेगा, मैम क्रिम करनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं, जैसी हेयर स्टाइल होगी उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग सारे हेयर में करना नेसेसरी नहीं होता है, राइट? सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिडल पार्टिंग, एंड मिडल पार्टिंग से करूंगी और टू ईयर सेक्शन डिवाइड। सो हम ट्राई करेंगे कि आज का भी लुक जो है वो हमारा इजी टेक्निक के साथ रहे, ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाए। एंड यस, आप सेक्शनिंग ध्यान से देखेगा, क्योंकि हेयर स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेक्शनिंग। अगर आपकी सेक्शनिंग ही गलत है तो फिर आप डिजाइन नहीं कर सकते हैं, है ना?
चले यहाँ पे मेरा फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड हो चुका है, सेकंड सेक्शन यहाँ से रहेगा मेरा क्राउन ईयर टू ईयर। क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन में यहाँ पे ले रही हूँ सी सेक्शन, क्योंकि मुझे यहाँ पे करना है पफ, जिसको आप बुफोन भी बोल सकते हैं, पफ भी बोल सकते हैं। सो मैंने सी सेक्शन लिया है, और सी सेक्शन लेके बैक साइड से हॉरिजॉन्टल लेयर लेके मैं बैक कूमिंग करती जाऊंगी। सेक्शन को इस तरह से अप यानी कि 90 डिग्री पे आपको होल्ड करना है, एंड रूट में करेंगे बैक कूमिंग। सो बैक कूमिंग करना है आपको मीडियम, ज़्यादा भी हमें हाइट नहीं चाहिए, ज़्यादा भी वॉल्यूम नहीं चाहिए। सो मैं मीडियम बैक कूमिंग करने के साथ ही साथ वही बैक कूमिंग को फिक्स करती जाऊंगी हाथ स्प्रे से। अगेन यहाँ पे सेकेंड लेयर के साथ बैक कूमिंग करेंगे। इसके बाद थर्ड लेयर, अच्छा थर्ड लेयर को यहाँ पे मैंने सेम वे के साथ बैक कूमिंग के साथ स्प्रेड करके स्प्रे कर दिया है, एंड इसके बाद सेट करते जाएंगे। राइट, से आप देख सकते हैं कि बैक कूमिंग से कितना वॉल्यूम यहाँ पे हमें मिला है। तो ये वॉल्यूम आपको क्रिएट करना है, और वो वॉल्यूम आपको मिल सकता है सही बैक कूमिंग से। बैक कूमिंग कैसे करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा बैक कूमिंग करना चाहिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी 3 डेज की ऑनलाइन हेयर स्टाइल मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो हो रही है 15, 16 और 17 दिसंबर को। इसी मंथ में बहुत ही कम दिन अभी बचे हैं, 15, 16 और 17 दिसंबर 3 दिन की हमारी ऑनलाइन क्लास है। और ये क्लास में मैं सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप बैक कूमिंग कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेडिशनल बन डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप वेस्टर्न बन डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप क्रिएशन कर सकते हैं एंड वेरिएशन कर सकते हैं, मिनिमम टेक्निक के साथ आप कैसे मैक्सिमम हेयर स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं, वो फंडे के साथ में ये 3 दिन की क्लास करने वाले हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हेयर स्टाइल में करेक्शन आए, मिनिमम टेक्निक से आप मैक्सिमम हेयर स्टाइल डिज़ाइन कर पाए, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लास की फीस है ओनली 1500 रुपीज़, जो 15, 16 और 17 दिसंबर को हो रही है। सो ये क्लास बुक करने के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, एंड ये क्लास जो है वो सर्टिफाइड रहेगा। चले, सो यहाँ पे हमारा बेस डन हो चुका है, अब मैं यहाँ पे करूँगी फिनिशिंग लेयर। सो आप देखिए कि बहुत ही लाइट बैक कूमिंग मैंने किया है, यानी कि 1 से 2 इंच मैंने बैक कूमिंग किया है, एंड बैक कूमिंग के बाद ये बेस को मैं करूँगी यहाँ पे सेट। अब सेट करने के लिए मैं थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे ना क्राउन पे थोड़ा वॉल्यूम चाहिए, सो वॉल्यूम के लिए मैं करूँगी इस तरह से बाउंस, सो टेल से भी आप देख सकते हैं या फिर तो आप पुल आउट भी कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज गाइस, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सारे हेयर को एक साथ पकड़कर स्प्रे कर रही हूँ, ताकि मुझे जो वॉल्यूम चाहिए वो मिल जाए। अब ये स्प्रे मेरा ड्राई हो चुका है, हेयर को छोड़ दूंगी। इसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगी एक रबर बैंड, एंड रबर बैंड के थ्रू मैं इसको फिक्स करूंगी, बिकॉज यहाँ पे मैं पिन से लॉक करना नहीं चाहती हूँ, मुझे जो वॉल्यूम चाहिए वो पिन से नहीं मिलेगा। सो मैं यहाँ पे इस स्टाइल से फिक्स करूंगी। रबर बैंड में मैंने 2 पिन अटैच कर लिया है, एक पिन मेरा लेफ्ट साइड रहेगा, दूसरा पिन मेरा राइट साइड रहेगा। राइट, सो इस तरह से मैं बेस को करूंगी फिक्स। सो ये मेथड जो है बहुत ही यूजफुल मेथड है, आप इस तरह से अपने बुफोन को फिक्स कर सकते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी हेयर स्टाइल के लिए ये मेथड का यूज कर सकते हैं, है ना। हर कोई मेथड के लिए आप ये मेथड, हर कोई स्टाइलिंग के लिए ये मेथड यूज करने जाओगे तो फिर आपका बुफोन लूज भी हो सकता है कहीं कहीं पे।
अच्छा एक और पिन से मैं लॉक करती हूँ, मुझे थोड़ा लूज लग रहा है, देन थोड़ा टाइट करूँगी इसको, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा और वॉल्यूम देना है देन आप दे सकते हैं। ये मेरा बेस है, अब मैं जाऊँगी फिनिशिंग लेयर। सो फिनिशिंग लेयर यहाँ पे मैंने थोड़ा थिक रखा है, मैं फर्स्ट हाथ स्प्रे अप्लाई कर दूंगी लाइट एंड करूँगी यहाँ पे टैंगल फ्री। टैंगल फ्री करने के बाद मैं रूट में करूँगी हाफ इंच बैक कूमिंग, सिर्फ हाफ इंच करना है। यहाँ पे आपको ना ऑप्शन मिलता है कि आपको इस लेयर को स्ट्रेट रखना है यानी कि प्लेन रखना है या फिर आपको पुल करना है। यहाँ पे आपकी चॉइस होती है, आप कौन सा लुक डिजाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सरफेस लेयर को सेट करना होता है, राइट। सो मैं तो ना यहाँ पे करूँगी पुलिंग और ना ही करूँगी प्लेन, मैं करूँगी टेक्सचर यानी कि सॉफ्ट टेक्सचर दूंगी यहाँ पे। एंड सॉफ्ट टेक्सचर के लिए जस्ट इस तरह से मैं पुल करती जाऊंगी, इसे आप देखिए, क्योंकि शॉर्ट हेयर है तो शॉर्ट हेयर में ज़्यादा शार्प इफेक्ट भी नहीं चाहिए, और मैसी लुक डिज़ाइन कर रही हूँ तो मैसी में ज़्यादा शार्प इफेक्ट अच्छी भी नहीं लगती है, है ना। सो मैं जस्ट फिंगर की हेल्प से पुल आउट कर रही हूँ एंड स्प्रे से फिक्स कर रही हूँ। सो आई थिंक आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ होगा, ये कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे टेक्सचर दिया है। देन इसके बाद ये पिन को हम थोड़ा सा नीचे की साइड लेके जाएंगे एंड यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर अगेन सेम चीज कंटिन्यू। तो ये हमने विदाउट प्रिपरेशन यहाँ पे ये टेक्सचर डिजाइन किया है, राइट। सो आप विदाउट क्रिम्पिंग भी कर सकते हैं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना होगा तभी जाके आप टेक्सचर दे सकते हैं एंड वॉल्यूम दे सकते हैं। अब जस्ट हम करेंगे इसको यहाँ पे यूपिन से लॉक, जो रबर बैंड मैंने नीचे किया है एग्जैक्ट इसके ऊपर मैं यूपिन से लॉक करूंगी। अभी जस्ट होल्ड कर दिया है ना, टेम्पररी लॉक किया है। अगर मुझे डाउट रहेगा कि ये लूज है देन मैं करूंगी ओपन, अच्छा यहां पे मैं कर देती हूं पिन। डन। सो आई थिंक आपको ये टेक्सचर कैसे क्रिएट करना है, ये वॉल्यूम जो है वो कुछ डिफरेंट तरह से यहाँ पे मिला है हमें बुफोन का। जनरली हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं, इतने ही पार्ट में हमारा बुफोन कंप्लीट हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि मेरा हेड शेप में एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, राइट, और वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि इस तरह से शेप मैंने क्यों दिया है। अब यहाँ से करेंगे बॉक्स एरिया लेके साइड एंड जो टेम्पल सेक्शन है हमारा, टेम्पल सेक्शन इसको बोलते हैं, ये सेक्शन पे करेंगे हम स्प्रेडिंग एंड बैक कूमिंग। सो फर्स्ट मैं बैक कूमिंग करूंगी, सेक्शन को शार्प कर दूंगी। अगर आपको लगता है आपको इस तरह से हेयर स्टैंड रखनी है देन आप रख सकते हैं एंड बाकी के सारे हेयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाकर फिक्स कर दूंगे।
अगेन बॉक्स एरिया जो हमारा सेक्शन था, यहाँ पे करेंगे बैक कॉमिंग। आपकी क्लास मुझे भी करनी है, जिसको भी करनी है गाइज, मैंने नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रात को 10 बजे लाइव करूंगी तो मैं सोऊंगी कब, है ना। सो गाइज, अगर आपकी यहाँ पे जो भी कमेंट्स आ रही है मैं अभी रीड नहीं कर पा रही हूँ, पर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग ले, और आपको मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है, देन आप, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया है। मेरी नेक्स्ट क्लास आ रही है 15, 16 और 17 दिसंबर, राइट। 15, 16 और 17 दिसंबर 3 डेज की मेरी ऑनलाइन क्लास हो रही है और ऑफलाइन दोनों हो रही है, पर ऑफलाइन की बुकिंग हमने क्लोज कर दी है एंड ऑनलाइन की बुकिंग अभी शुरू है। ऑनलाइन का क्लास जो है वो 3 दिन का है, और इसमें मैं क्या सिखाने वाली हूँ, मैं 3 दिन में आपको 5 हेयरस्टाइल सिखाने वाली हूँ। मिनिमम टेक्निक के साथ मैक्सिमम हेयरस्टाइल आप कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसी टेक्निक दिखाऊंगी कि वो टेक्निक से आप एक हेयरस्टाइल में से 3 हेयरस्टाइल कैसे बना सकते हैं। तो मेरा 3 दिन का 5 लुक रहेगा, वो 5 लुक में मेरी यही ट्राई रहेगी कि मिनिमम हेयरस्टाइल, मिनिमम टेक्निक के साथ मैक्सिमम वेरिएशन आप कैसे क्रिएट कर सको, मैक्सिमम डिजाइन आप कैसे क्रिएट कर सको, वो चीज़ मैं सिखाने वाली हूँ इन 3 दिन के क्लास में। उसमें आ जाएगा कि बैक कॉमिंग कैसे करना है, आपको टेक्निक कैसे क्रिएट करनी है, आपको स्प्रेडिंग कैसे करना है, आपको पुलिंग कैसे करनी है, आपको बैक कॉमिंग के साथ बुफोन कैसे करना है, बैक कॉमिंग के साथ स्टफिंग कैसे करना है आपको, मतलब जो भी एडवांस टेक्निक है वो सारी टेक्निक आ जाएगी इन 3 दिन के क्लास में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ये 3 दिन की क्लास करने के लिए, देन मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, ये नंबर पे आप कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये क्लास की फीस है ओनली 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़ में ये क्लास हो रही है जो आप बुक करवा सकते हैं। ये क्लास 3 दिन की रहेगी, इसके बाद ये सारे सेशन जो है वो 15 दिन तक आपको सेव मिलेंगे, यानी कि आप ये 15 डेज तक ये सारे सेशन को देख सकते हैं बाद में भी, ओके। और ये क्लास सर्टिफाइड रहेगी। प्राइस, फीस के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड रही बात गाइस कि आप ये क्लास अगर ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ कि ये जो हमारी क्लास है वो आप फ्री कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास फ्री कैसे कर सकते हैं, राइट। आप मेरे से फेस टू फेस आके कैसे सीख सकते हैं, वो भी फ्री। तो अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं, मेरी ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स बाय करना होगा। मेरा ऑनलाइन कोर्स है 200 प्लस हेयरस्टाइल के वीडियोस का, एक मेरा पैकेज है, वो पैकेज का प्राइस है 25,000। एंड ये सारे वीडियोस जो है 200 हेयरस्टाइल के वीडियोस है, वो आप 1 ईयर तक एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये 1 साल तक आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ये मेरा ऑनलाइन पैकेज है, अगर आप वो बाय करते हैं तो आपको उसके साथ मिलेगा हमारा सूरत का 5 डेज का बेसिक टू एडवांस कोर्स एब्सोल्युटली फ्री। तो ये हुई हमारी फ्री क्लास, मतलब अगर आपको इस तरह से फ्री ऑफलाइन में आना है तो आप इस तरह से आ सकते हैं, अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन करना है तो आप सिर्फ हमारा पैकेज भी बाय कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ मेरी लाइव क्लासेस लेनी है तो आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर दीजिए। मैं अगेन एक बार बता देती हूँ कि आप मेरी ऑफलाइन क्लास फ्री कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास फ्री करने के लिए आपको मेरा ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड कोर्स है वो बाय करना होगा, जिसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस हेयरस्टाइल के वीडियोस जो आप 1 ईयर तक एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारे वीडियोस आप कहाँ देख सकते हैं, तो ये सारे वीडियोस मेरी एप्लीकेशन है, उसमें आपको ये सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और 1 साल तक आप कितनी भी बार अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, और ये सारे वीडियोस जो है वो HD क्वालिटी रहेगा, फुल्ली डिस्क्रिप्टेड वीडियो रहेगा, ताकि आपकी एक एक चीज आपको उसमें दिखाई गई है जूम इन जूम आउट करके, ताकि आपको सारी चीज उसमें से समझ में आए। एंड वो देखने के बाद बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्लास आप ऑनलाइन ले रहे हो, है ना, आपको बिल्कुल वैसा फील होगा कि ये क्लास आप ऑफलाइन ही ले रहे हो। तो आपको सिर्फ पे करना है प्री रिकॉर्डेड कोर्स का चार्ज, यानी कि 25,000, एंड उसमें आपको मिल रहा है 200 हेयरस्टाइल के वीडियोस, उसी के साथ आपको सूरत की ऑफलाइन क्लास फ्री, मतलब आपका चार्ज एक ही जाएगा और उसमें आपको 2 चीज मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि जब आप ये 25,000 का पैकेज बाय करके 200 हेयरस्टाइल के वीडियोस आप देख रहे हैं, तो उसके साथ आपको जो ऑफलाइन क्लास मिल रही है वो दोनों अगर आपने कर ली, तो इसके बाद आपको और कोई क्लास कभी भी करना पड़े, क्योंकि आप देखिए कि आप 200 हेयरस्टाइल सीखोगे एंड इसके बाद आप सूरत की ऑफलाइन क्लास भी कर लोगे, जिसमें आपका थियोरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरी टेक्निक क्लियर हो जाएगी, मेरी प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी हेयरस्टाइल की क्लास कोई करनी पड़े, है ना, क्योंकि जो इंसान 200 हेयरस्टाइल सीख लेगा उसको लगता है कि उसको 2-3 महीने के बाद भी क्लास लेनी पड़ेगी, कोई कभी नहीं।
चले तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो सेक्शन है उसको मैंने स्प्रेडिंग के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे भी मैं टेक्सचर ही डिजाइन करूंगी जैसे कि मैंने बुफोन में किया है क्योंकि मुझे इसके साथ मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए मुझे उसी के जैसा लाइन यहाँ पे देना होगा। सो शार्प लाइन नहीं होगा मेरा यहाँ पे बिल्कुल ही, जस्ट लाइक फिंगर की हेल्प से मैं करती जाऊंगी। सी लाइंस में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं ना, हम पुलिंग बोलते हैं पर पुलिंग एक ही टाइप का नहीं होता है, पुलिंग में भी बहुत अलग अलग वेरिएशन आते हैं जो आपको सीखने चाहिए और जो आपको पता भी होने चाहिए कि आप कौन सी हेयरस्टाइल में कौन सा वेरिएशन कर सकते हैं। अच्छा मुझे फ्रंट में थोड़े हेयर भी रखने हैं इस तरह से, तो मैं ये जो फ्रिंज के हेयर है उसको ही बाहर रखूंगी। अच्छा इसके बाद ये सेक्शन मेरा जैसे ही डन होगा, डन हो ही गया है, मैं करूंगी यहाँ पे पेंसिल लॉक। ओके गाइस अब करेंगे अदर साइड, सी अदर साइड सेम सिचुएशन है। आई एम प्रिया फुल, डोनट अप्लाई करूंगी, डोनट नहीं करूंगी इसमें मैं, अब देखिए आपको पता चल जाएगा मैं क्या करूंगी, है ना। चले अदर साइड भी सेम, पहले मैं टेम्पल सेक्शन को फिक्स कर दूंगी, जस्ट लाइक जैसे आपने देखा कि बहुत ही सिंपल वे से लाइट वैक्यूमिंग करना है। चलो तो यहाँ पे मैंने अदर साइड से भी टेम्पल सेक्शन फिक्स कर दिया है, इसके बाद मैं फिक्स करूंगी मिडल पार्टिंग से। सी आपको इसमें क्या क्या चीज क्लियर हो रही है कमेंट मी गाइस। यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो शॉर्ट हेयर भी है, फ्रिंज भी है जो इस तरह से नीचे जा रही है, एंड आई थिंक आपको भी यही प्रॉब्लम होती है कि शॉर्ट हेयर को कैसे स्टिक करें। यस लॉन्ग थे, कट करवाए होंगे तभी तो शॉर्ट हुए होंगे। ये मॉडल को आपने पहले देखा था क्या? ओके सो सी यहाँ पे हमारा फ्रंट इन क्राउन डन है। मैम ये रियल हेयर पे सिखाओ तो ज्यादा समझ आता है, यस इसलिए तो मैं रियल हेयर पे सिखा रही हूँ। हेयर स्प्रे में यूज कर रही हूँ टाफ्ट का सिक्स फैक्टर हार्ड स्प्रे जिसको होल्डिंग स्प्रे भी बोलते हैं। ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग रहेगा 11 से 5।
पफ लाइंस क्लास यस मतलब ये चीज सीखा। अच्छा मेरा क्वेश्चन था कि आप क्या क्या सीख रहे हो इसमें से, हेयर स्प्रे कौन सा लेना चाहिए? आज स्प्रे जो यूज मैं कर रही हूँ लव योर वर्क थैंक यू सो मच। ओके गाइज यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी बन। सो बन के लिए आप देखिए हेयर मेरे काफी कम है एंड शॉर्ट भी है राइट। सो मैं यहाँ पे ये जो शॉर्ट हेयर है ज्यादा ही शॉर्ट हेयर है, अब देखिए है ना, ये सारे हेयर को यहाँ पे कर दूंगी फिक्स। फिक्स करने के बाद बाकी के हेयर के कर्ल्स करूंगी और मैं बनाऊंगी मैसी बन। सो देखिए जितने हेयर की आपको जरूरत है उतने ही हेयर आप रखो, बाकी सारे हेयर को फिक्स कर दो। मुझे बहुत ही मिनिमम हेयर की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे मिनिमम हेयर रखूंगी, बाकी सारे हेयर को फिक्स कर देती हूँ। डन, क्योंकि मैसी बन के लिए आपके कम हेयर हो गए ना तो भी आप मैसी बन आराम से बना लोगे। देन आप जब भी मैसी बन डिजाइन करते हैं आपको शॉर्ट हेयर है या फिर तो थीन हेयर है उसमें ही करना है। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट रहते हैं वो हेयर है ना। ज्यादा एक्स्ट्रा वॉल्यूम है और आप मैसी बन बनाने जाओगे तो और ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। सो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि मैसी हेयर स्टाइल के लिए आपके हेयर शॉर्ट और थीन होने चाहिए। शॉर्ट हेयर के लिए और थीन हेयर के लिए मैसी हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट है। चलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे नेट ताकि मेरा जो स्टफ है वो थोड़ा सिक्योर हो जाए एंड मैं जो शेप में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ मैं आराम से कर सकूँ। मैं थोड़ा इसको फ्लैट कर दूंगी बिकॉज ऑफ मुझे इसके ऊपर करने हैं कर्ल्स सेट। राइट, सो यहाँ पे मेरा स्टफ भी हो चुका है, अब मैं करूंगी कर्ल्स। तो कर्ल्स मशीन यहाँ पे मेरी हॉट हो चुकी है, 19 mm में टोंग मशीन यहाँ पे यूज कर रही हूँ। यस टफ्ट का 5 फैक्टर भी आप यूज कर सकते हैं, हार्ड स्प्रे है ये, मॉडल मेकअप आर्टिस्ट नहीं है ये, हेयर स्टाइलिस्ट ही है। अच्छा गाइज यहाँ पे देखिए मैं जो कर्ल्स कर रही हूँ 19 mm से इनवर्ट डायरेक्शन, है ना, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक मोल्डिंग के लिए टर्न दे रही हूँ ताकि थोड़ा रफ इफेक्ट आए। सो आप कर्ल्स की कोई भी डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, रैंडम डायरेक्शन के साथ भी आप जा सकते हैं, कर्ल्स की कोई टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल कर्ल्स कर रही हूँ। सो आप इस टाइप के जो भी वेरिएशन है कि कर्ल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सी टेक्निक के साथ आपको करना चाहिए, कौन सी हेयर स्टाइल में कौन से कर्ल्स करने चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कौन सी हेयर स्टाइल में कौन सा बुफोन होना चाहिए, कौन सी एसेसरी के साथ हम हेयर स्टाइल बना सकते हैं, कौन से फेस पे कौन सी हेयर स्टाइल दे सकते हैं, कौन से फोरहेड पे कौन सा फ्रंट वेरिएशन देना चाहिए, अगर ये चीज में आपका भी कंफ्यूजन है ना, देन आप मेरी 3 डेज की जो क्लास हो रही है ना वो ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सारे आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ये 3 दिन की क्लास होगी, 15, 16 और 17 दिसंबर, और ये क्लास में मैं यही सारी चीज आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने हेयर में पतले है तो कैसे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, अगर ज्यादा वॉल्यूम है तो कैसे रियूज कर सकते हैं, मिनिमम टेक्निक से मैक्सिमम वेरिएशन कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो इस टाइप की आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल डाउट्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उसी के ऊपर हम ये क्लास करेंगे ताकि आपका जो एक्चुअल डाउट्स है वो क्लियर कर पाए। तो ये क्लास की बुकिंग के लिए मैंने नीचे ऑलरेडी कॉन्टेक्ट नंबर पिन कर दिया है, 7572 7 सॉरी 7572 883 887। ये नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्लास रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये 3 दिन की क्लास की फीस है 1500, 1500 रुपीज चार्ज है। बुकिंग के लिए नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, अगर आपको लगता है ना कि आपको ये सारी चीज की नॉलेज होनी चाहिए एज एन हेयर स्टाइलिस्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने स्टफिंग होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कितने बुफोन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कितना बैककोमिंग, कितने बैककोमिंग के टाइप्स होते हैं और कौन सा बैककोमिंग कहाँ पे करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि फेस
फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग कैसे फ्रंट वेरिएशन देना चाहिए, कैसे आपको हेयर स्टाइल डिजाइन करनी चाहिए, तो आप ये क्लास कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो नॉलेज नहीं होनी चाहिए देन ओके, पर अगर आपको लगता है कि एज एन एक परफेक्ट ब्यूटिशियन बनने के लिए, एक परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए, एक परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको ये चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेकअप आर्टिस्ट मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट भी हेयर स्टाइल तो बनाते हैं। एंड अगर आपको ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हेयर पे कितने टेम्परेचर के साथ आपको काम करना है, क्योंकि ये जब पता नहीं होता है तो क्या होता है, हमारे क्लाइंट के हेयर हम तो डैमेज कर देते हैं या फिर हमारे हेयर स्टाइल के बाद क्लाइंट के हेयर टूटने शुरू हो जाते हैं, ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सही से टेम्परेचर का नॉलेज नहीं है तो हम कोई भी टेम्परेचर कोई भी डिरेक्शन से काम कर देते हैं, है ना। हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, कौन से हेयर की क्वालिटी के हिसाब से आपको काम लेना चाहिए। जब आपको ये पता चलता है तो आपका हेयर स्टाइल बनाना बहुत आसान हो जाता है। चले मेरे 2-3 कर्ल्स अब बचे हैं, मैं कर्ल्स के बाद इसको करूंगी सेट। तो इस टाइप की डिटेल में और डेप्थ में आप सीखना चाहते हैं ना, तो 3 दिन की क्लास आपके लिए बेस्ट रहेगी। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास फ्री करना चाहते हैं तो आप मेरा 200 हेयर स्टाइल की वीडियोस का ऑनलाइन कोर्स जो है वो आप बाय कर सकते हैं, एंड मेरी सूरत की 5 डेज की क्लास आप फ्री कर सकते हैं। 200 हेयर स्टाइल के वीडियोस का मेरा प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, वो कोर्स जो है आप 1 ईयर तक मेरे सारे हेयर स्टाइल देख सकते हैं, और 200 वीडियोस में बेसिक टू एडवांस सब टाइप की हेयर स्टाइल आ जाएगी। लाइक आप चाहो कि आपको ब्राइडल हेयर स्टाइल देखना है तो आपको वो भी मिल जाएगा, लाइक आप चाहे आपको ओपन हेयर स्टाइल सीखना है, वेस्टर्न हेयर स्टाइल सीखना है, एडवांस हेयर स्टाइल सीखना है, क्रिएटिव एलिमेंट सीखना है, तो हर चीज 200 हेयर स्टाइल के वीडियोस, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना क्रिएटिविटी होगा, 200 हेयर स्टाइल के वीडियोस कोई सेम चीज से नहीं बना होगा, है ना। तो वो सारी चीज आपको मिलेगी मेरे ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड कोर्स में। तो 200 हेयर स्टाइल के वीडियोस आप 1 साल तक देख के आपकी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड उसके साथ आपको मिलेगा हमारा सूरत का ऑफलाइन हेयर स्टाइल मास्टर क्लास फ्री। अब आपको ये कोर्स बाय करने के लिए पे करना होगा 25,000 आपका चार्ज रहेगा ऑनलाइन पैकेज का, एंड उसके साथ आपको मिलेगा हमारा 30,000 का ऑफलाइन कोर्स फ्री। चले अब ये कर्ल्स यहाँ पे हो चुके हैं, अब कर्ल्स को मैं करूंगी सेट। कैसे कर रही हूँ वो आप ध्यान से देखेगा, क्योंकि कर्ल्स तो हर कोई कर लोगे, है ना, और हो ही जाएगा, बट मेन और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कैसे इसका प्लेसमेंट करना है, कैसे इसको सेट करना है। चलिए यहां से मैं थोड़ा नीट लुक दूंगी। सो नीट लुक देने के लिए मैं करूंगी टाइट ट्विस्ट करके मैं स्मूथली ओपन करती जाऊंगी, ट्विस्ट करके वेरी क्लासिक बन यहां पे डिजाइन होगा मेरा। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हुआ कि मैंने इतना छोटू सा स्टफ क्यों बनाया, मैं चाहे तो बड़ा सा भी बना सकती थी। हुआ है किसी को क्वेश्चन? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताओ। सो गाइस, अमेजिंग वे से ये हमारा लोबन डिजाइन हो रहा है, एंड बहुत ही इजी टेक्निक, इजी मेथड, है ना। जब आपके पास ना इजी मेथड होता है ना कोई भी काम करने का, तो आप कितना भी मुश्किल काम क्यों ना करते हो, आसान बन जाता है वो काम। बस मेथड चाहिए इजी।
EMI हो सकता है, ये सब एक बार कॉल कर दीजिएगा हमारी एप्लीकेशन से ही आपको पेमेंट करना रहेगा। अगर आपको आपकी बैंक अलाउ करती है देन हो जाएगा। इसको कर्ल्स करे बिना भी ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। यस, कर्ल्स के बिना अगर आप ट्विस्ट करोगे तो होगा क्या कि आपके जो एंड्स है वो स्ट्रेट है, राइट? तो वो ऐसे ही रहेंगे, स्ट्रेट ही, वो मोल्ड नहीं करेंगे। और ये कर्ल्स करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि ये मोल्ड हो जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। यही तो मैं बता रही हूँ आपको कि आपके पास ना वो मेथड होना चाहिए कि आप, ये एक गलती हो गई ना कि आप अगर शॉर्ट हेयर है और आप स्ट्रेट ही रख के कर दोगे तो फिर आपको जो फिनिशिंग चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपको जो शेप चाहिए, जो कनेक्शन हेयर स्टाइल में और बन में चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ऐसी छोटी छोटी हम गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर स्टाइल में ना परफेक्शन, ना फिनिशिंग, ना नीटनेस मिलती है। सो फाइनली हमारा लास्ट लेयर है जिसको मैं यहाँ पे करूँगी स्प्रेड एंड ट्विस्ट करके लॉक। तो बहुत ही सिंपल क्लासिक लॉबन हमने डिजाइन किया है, स्मॉल साइज लॉबन है ना। अच्छा, आप चाहे कि आपको थोड़ा बिगर साइज चाहिए देन आप बिगर साइज भी कर सकते हैं। तो आपको करना है थोड़ा और ज़्यादा पुल, और ज़्यादा ट्विस्ट, सेक्शन बढ़ा लेना है। मैंने मिनिमम हेयर रखे थे बिकॉज मुझे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए था। मेरा क्लियर था कि मुझे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे क्लासिक बनी चाहिए। देन उस तरह से मैंने सेक्शन को ट्रीट किया है। जस्ट वेट गाइस, आप लोगों के कमेंट में अभी रीड करूंगी। कर्ल्स करे बिना ट्विस्ट, यस वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। आपने जो उसके ऊपर हेयर स्टाइल बना रहे हो स्टफिंग से मैसी बन बड़ा दिखेगा। यस, हाई प्रिपरेशन पर्सनली कॉल्स का, आप नीचे दिए गए कॉल नंबर पे कॉल कर दीजिए, आपको बता देंगे। आप हेयर स्टाइल में चैंपियन हो, गजब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। क्या ये वीडियो, यस सेव कर दूंगी आपके लिए, तो कर दूंगी ना यार।
बहुत अच्छा लगता है हेयर स्टाइल मैम. थैंक यू सो मच गाइस. वेरी नाइस, वेरी इजी, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सुपर. थैंक यू सो मच. अच्छा, मुझे बोलना ही ना पड़ा कि आप लोग मुझे कमेंट करो. इससे पहले ही आपने ओपिनियन बता दिया. हैट आपके हाथ में मैजिक है. वेस्ट बंगाल से हैं. चले, सो अब मैं करूँगी फ्रंट के हेयर में कर्ल्स. इसके बाद हम करेंगे डेकोरेशन. सी अब देखिए गाइस की बहुत ही क्लासिक लुक आ रहा है ना. क्लासिक मतलब क्या कि आप हेयर स्टाइल का साइज ओवर नहीं करते हैं, उसको हम क्लास लुक बोलते हैं, है ना. जो ज्यादा नहीं दिखता है, मतलब हेयर स्टाइल जैसा ही लगता है, उसको हम क्लास लुक बोलते हैं. कहीं कहीं हम क्या कर देते हैं, हेयर स्टाइल की जगह पे हेलमेट बना देते हैं. मतलब हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए कि फेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पर हम क्या कर देते हैं, बड़ा बड़ा बना देते हैं हेलमेट की तरह, है ना. तो एक्चुअल हेयर स्टाइल वो नहीं है. एक्चुअल हेयर स्टाइल क्या है कि जो आपको भी और आपके फेस को भी और अपने आप की आइडेंटिटी वैसी ही रखे, है ना, जैसे मेकअप में होता है. मेकअप में लाइक कभी कभी हम ऐसा मेकअप कर देते हैं कि जो इंसान एक्चुअल है वो लगता ही नहीं है, पूरा चेंज हो जाता है. तो वैसे ही हेयर स्टाइल आपका वैसा होना चाहिए कि जो एक्चुअल है, उसका जो हेड है, उसके जो हेयर है, उसका जो लुक है, उसकी जो ब्यूटीफुलिटी है, वो वैसे ही दिखनी चाहिए. आप बहुत अच्छे हो. हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. थैंक्स मैम लगाने के लिए, हमें बेस्ट हेयर स्टाइल दिखाने के लिए. थैंक यू सो मच. वेरी ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल. ओके गाइज, मैं फ्रंट के कर्ल्स कर देती हूँ. इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ वापस. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्मूथ वेव दिया है ना. यहाँ पे मैं परफेक्ट कर्ल्स नहीं करूंगी. क्यों? बिकॉज मेरा हेयर स्टाइल का लुक भी वैसा नहीं है. चले, अब करेंगे इसको हम थोड़ा सा ओपन अप एंड थोड़ा सा स्प्रेड. सी गाइस, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल में, कौन से हेयर पे, कौन से फेस पे, कौन सी हेयर स्टाइल के साथ, कौन से वेरिएशन से आपको फ्रंट रखना चाहिए. क्योंकि फ्रंट के हेयर जो यहाँ पे हमने रखे हैं, ये स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब आप यहाँ पे टाइट कर्ल्स कर दोगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा. और ऐसा भी नहीं होता है कि आप टाइट कर्ल्स नहीं कर सकते. सी, आपका हेयर स्टाइल कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रंट का फ्रेमिंग करना होता है. तो अभी ये मैं फ्रंट फ्रेमिंग कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा जो बैक साइड का लुक है उसके अकॉर्डिंग मैंने फ्रंट दिया है, है ना. तो आप इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप 3 दिन की क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं. 3 दिन की क्लास जो है मेरी हो रही है 15, 16 और 17 दिसंबर. वैसे मैंने बता दी है डिटेल, अगर आप नए हैं तो मैं वापस से एक और बार बता देती हूँ. ये क्लास की डेट है 15, 16 और 17 दिसंबर, जिसमें मैं इस टाइप के सारे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो है वो क्लियर करने वाली हूँ. एंड ये क्लास में हम 5 हेयर स्टाइल सिखाने वाले हैं. सिलेबस में 5 लुक रहेगा और ये लुक कैसा रहेगा उसमें मैं बहुत ही मिनिमम टेक्निक के साथ आप मैक्सिमम डिजाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगी, ताकि आप अपने कम टाइम के अंदर भी 1-2 टेक्निक से कैसे डिफरेंट डिफरेंट लुक डिजाइन कर सके एंड कम टाइम के अंदर आप काम कर सके, है ना. सो ऐसे वेरिएशन के साथ में ये क्लास लेने वाली हूँ. तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है कि आपके हेयर स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर आप भी ऐसे छोटे छोटे डाउट्स पे विन होना चाहते हैं, देन आप ये 3 डेज की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. 3 दिन की क्लास की चार्ज है ओनली 1500 रुपीज. एंड ये सारे सेशन जो है वो क्लास के बाद भी सेव रखेंगे, ताकि आप ये सारे वीडियोज को बाद में भी देख सके एंड रिवाइज कर सके. चले, तो फाइनली हमारा बन डन है. अब मैं करूँगी यहाँ पे डेकोरेशन. सो डेकोरेशन में मैं यूज़ करूँगी कुछ क्रिस्टल डेकोरेशन, थोड़ा बेबी पिंक शेड, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारा मॉडल का जो आउटफिट कलर है वो भी पिंकीज है.
तो ऑब्वियसली थोड़ा मैं यहाँ पे पिंकीज क्रिस्टल यूज करूँगी, राइट? ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने डेकोरेट कर दिया है। मुझे अब तो नहीं लगता है कि ज़्यादा नीड भी है, इतना इनफ है, आई थिंक सो, है ना? अच्छा, तो आप होते तो क्या डेकोरेट करते यहाँ पे? अगर आपने ये हॉस्टल बनाया होता तो आप क्या करते डेकोरेट? मुझे आपका ओपिनियन जानना बहुत अच्छा लगता है। चले गए, जब आप लोगों को लेना है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मुझे करना है स्टोरी में मेंशन, जैसे आप एज यूजुअल करते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना? जिप्सी रोज करते, अच्छा, पर्ल एंड क्रिस्टल, राइट? एक और मिनट गाइस, चले ले लीजिए आप। सी, आप देखिए कितना क्लासिक और सॉफ्ट लो बन बन गया है। सो ये इज द आवर फाइनल लुक। सो आई होप आप सबने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रंट हमने बहुत ही क्लासिक मिडल पार्टिंग के साथ दिया है। ओके, सो यूट्यूब पे मेरा सेशन एंड कर रही हूँ, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, बाय बाय। अच्छा गाइस, बताए, आई एम फ्रॉम केरला। नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निशा जी। ये वीडियो सेव रहेगा? यस, मैं कर दूंगी आपके लिए, वीडियो सेव कर दूंगी।